तो IMF का जो डायरेक्टर है वो इंडियन है, उसके गिड्डे कोडे पकड़ते हैं तो इनको ये खैरात और ज़कात और भीख मिलती है, कर्जा मिलता है। फेसबुक, ट्विटर, चैटिंग, इंस्टाग्राम जो भी, ये सब बकवास, इसमें इल्म नहीं है, ये सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है। नेट बनाया क्यों है अगर इल्म नहीं है तो? वो आपको ना ये गंदी फिल्में देखने के लिए, आप जैसे लोगों के लिए। गजब बेइज्जती है। ठीक है, देखा जाए तो पावरफुल के हिसाब से तो पाकिस्तान है, लेकिन जिस हिसाब से इंडिया भी बेईमानी शुरू कर दी है ना, उस वजह से अभी इंडिया ऊपर आ रहा है। अच्छा, हाँ, ऐसी कौन सी बेईमानी है जो कि वो करके तरक्की कर रहा है, दुनिया के पांचवी बड़ी मैशत बन गया, जरा आप बताएं जरा आवाम को। सर धांधली कर रहा है। किस चीज में? सर ये वर्ल्ड कप हुआ उसमें धांधली। क्रिकेट का और मैशत का बड़ा फासला, मैशत की बात करें, वो चीजें दुनिया को एक्सपोर्ट कर रहा है, इसमें बेईमानी कर रहा है? नहीं, एक्सपोर्ट तो सही कर रहा है। इंग्लैंड मेडिकल साइंस दुनिया का सबसे मुश्किल शोबा है, इंडिया का G10 का इसीलिए मेंबर है कि इसका मेडिकल साइंस का जो शोबा है ना वो अमेरिका, बरतानिया, ये G7 कंट्रीज के लेवल का है। पाकिस्तान से लोग हार्ट ट्रांसप्लांट और लिवर ट्रांसप्लांट के लिए उधर जाते हैं, क्योंकि इंग्लैंड में, अमेरिका में 3-4 करोड़ रुपया लगता है, वहाँ पे 40-50 लोग में लाख में करा के आते हैं। बताएं जिसमें हम पावरफुल ज्यादा है इंडिया। अंकल की शादी होगी ना, फिर पता लग जाएगा कि कौन अच्छा है कौन बुरा है और गंदे। ये लॉजिकल बात है, ये बिल्कुल इनरेलेवेंट लेवल बात है। शादी हो गई, बच्चे पैदा हो गए या मर गए, बच्चे पैदा करने में तो पाकिस्तान सबसे आगे है, सबसे ज्यादा आबादी। जय दोस्तों, जय श्री राम। देखिए भाई, इतना नॉलेज वाला बंदा जब कभी भी पाकिस्तान में देखते हैं तो एक दिल खुश हो जाता। यानी कि जो मदरसा छाप जाहिल पाकिस्तान की सड़कों पर बहुत ज्यादा घूमते रहते हैं, उनको एक एजुकेटेड बुजुर्ग आदमी मिल गया भाई। और जब क्या बातचीत हुई है वो आप लोग देखिए, आप लोग क्या राय बनती है इस वीडियो के बारे में, वीडियो शुरू करते हैं। डेली स्वैग की वीडियो देखते हैं। ये क्या करें, एक फ्यूचरिस्टिक मॉडल है और इसमें कोई ड्राइवर नहीं है, और ये इनका एक विजन वाला मॉडल है, ऐसा मॉडल जो अभी इनको बताया जा रहा है कि हमारे ऐसे फ्यूचर में मॉडल्स आने वाले, ड्राइवरलेस कार, बहुत ही यूनिक कार है। एक चाइनीज शॉप है जिसमें बहुत सारे इंडिया से आए हुए प्रोडक्ट यहाँ पे लगे हैं, ये देखिए आपको यहाँ दिखा दे रहा होगा, ये हमारे प्यारे भारत का नाम इस पे लिखा हुआ है, इंडिया गणेश जी की यहाँ पे लगी हुई है फोटो, और ये मैसूर हैंडमेड अगरबत्ती है और इसको आप यहाँ देख सकते हो, इनकी जो सुगंध है बहुत ही लाजवाब है दोस्तों। और यहाँ पे जो हमारे आपको ने ऋषिकेश या किसी भी धार्मिक स्थानों पे ये नोटबुक्स देखी होगी, तो ये भी आपको चाइना में यहाँ पे ये ये सारी चीजें, जितनी भी चीजें मैं आपको दिखा रहा हूँ सारी इंडियन चीजें हैं। क्या कहेंगे, क्या ऐसे मुल्क का आप मुकाबला कर सकते हैं जो वर्ल्ड वाइड के अंदर चाइना जहाँ पर दुनिया को चीजें बेचता है, अपनी चीजें सेल करता है, वहाँ पर इंडिया अपनी मार्केट खोल के बैठा हुआ, भाई हमारी भी चीजें लो। सर एक मिनट बात सुनिएगा, ये भाई कह रहे हैं कि हर ताकत के लिहाज से हर चीज में पाकिस्तान इंडिया से ज्यादा मजबूत है, क्या कहेंगे? सर ये नॉलेज की हमारी कौम दुनिया की सबसे लिटरेसी रेट पुअर है। क्या है, लिटरेसी रेट में सबसे पुअर, नीचे दर्जे पर है। जब भी हमारा पासपोर्ट जो है ना ब्लॉक हो गया सारी दुनिया के लिए, इसी वजह से कि ये जाके वहाँ पे गन डालते हैं पाकिस्तानी दुनिया के दूसरे मुल्कों में। सर सऊदी अरब में भी, सऊदी अरब में वो तो निकाल रहे हैं, वो तो निकाल रहे हैं, ब्लॉक क्या करो तो निकाल रहे हैं। अच्छा, अब इनसे पूछे, ये लिटिल नॉलेज, ये ना बल्कि एक तो लिटिल नॉलेज होती है ना सर, तो अगर स्टूडेंट है तो फिर अफसोस का मुकाम है कि इनकी स्टडी नहीं है। नवाज शरीफ को लेके खाना, या इमरान खान को लो, या किसी बंदे को लो, लेके रब क्या कह रहे हैं, कह रहे नवाज शरीफ सुन रहे हैं। इनसे ही नवाज शरीफ अच्छे हैं, इन्होंने नवाज शरीफ का सवाल नहीं पूछा, जो सवाल पूछा इनसे एक सवाल पूछे, ये स्टूडेंट है ना, ये G20 और G10 ये किन ममालिक की, इसकी क्या वेरिफिकेशन है कि इनके मेंबर कौन हो सकते हैं G10 के और G20? सिर्फ एक दो सवाल का जवाब दे दें, इनका पूरा जवाब आ जाएगा। हाँ जी, पता G20 का? नहीं पता। कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो? मैं 9th में। 9th में पढ़ रहे हैं, इन्हें पता ही नहीं, चौथी पांचवी का बच्चा भी है। अगर न्यूज़पेपर पढ़ता है तो उसको पता होगा, G20 दुनिया के 20 बड़े मईशत वाले मुल्क हैं, 20 बड़े मईशत, ठीक है, 20 अमीर ममालिक, जिसके अंदर इंडिया भी सरफहरिस्त, इंडिया जो है सरफहरिस्त है, और उसका वो डायरेक्टर है IMF, IMF के जो डोनर्स हैं वो G20 के ममालिक हैं, ठीक है। पाकिस्तान जो भीख मांगने जाता है ना IMF में, तो IMF का जो डायरेक्टर है वो इंडियन है, उसके गिड्डे कोडे पकड़ते हैं तो इनको ये खैरात और ज़कात और भीख मिलती है, कर्जा मिलता है, जिसकी वजह से हम आज पिस रहे हैं, जलील ख्वार हो गए हैं, ठीक है। और G10 ये दुनिया के 10 बड़े सनअती तरक्की याफ्ता मुल्क हैं। क्या है ये आपके लिए बता रहे हैं ताकि आपकी एजुकेशन में इजाफा हो। यार यहाँ पे ये जिस स्कूल या कॉलेज में पढ़ रहे होंगे ना, उनके उस्ताद का जो मियार है ना वो भी इन्हीं की तरह के ही है, जब ये मियार खराब है। सही बात है, ऐसे नहीं कहते उस्ताद, उस्ताद होते हैं जनरल उस्ताद, ये दो नंबर उस्ताद को मैं उस्ताद नहीं मानता हूँ, जो नकल मार के जिन्होंने डिग्री ली है, सिफारिश के बेस पे अपॉइंटमेंट हुई है, जब पाकिस्तान का कोई उस्ताद अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, कनाडा, वहाँ के किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ा, या मामूली प्राइमरी स्कूल में नहीं पढ़ा सकता, जाके इंग्लैंड का प्राइमरी स्कूल के उस्ताद का मियार देखें, जुडिशरी और CSS से ज़्यादा सख्त है। नॉलेज को अपने प्रूफ स्टडी करें, ये मोबाइल के ऊपर ना फेसबुक, ट्विटर, चैटिंग, इंस्टाग्राम जो भी, ये सब बकवास, इसमें इल्म नहीं है, ये सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है। नेट बनाया क्यों है अगर इल्म नहीं है तो? आपको ना ये गंदी फिल्में देखने के लिए, आप जैसे लोगों के लिए। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है, ठीक है। ये हमारे ये 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 उसकी अभी 5 साल पहले ये गूगल,
उसको छोड़े आप, इसमें शादी का क्या ताल्लुक है? गंदी फिल्म लोग की बातें कर रहे हैं ना। गूगल ने अंकल सीरियस बात कर रहे हैं, इसको मजाक में ना लेके जाएं। पर स्टडी है नहीं और दूसरों पे अटैक। ठीक है, अभी इंडिया का एक बता दिया है। ठीक है, वो ये भी कह रहे हैं कि भाई इंडिया के साथ मतलब कि हमारे हर पावरफुल है पाकिस्तान, ज्यादा हर चीज के लिए पावरफुल है। बताएं किस चीज में हम पावरफुल ज्यादा है इंडिया? अंकल की शादी होगी ना फिर पता लग जाएगा कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। और गंदे बात है, शादी हो गई, बच्चे पैदा हो गए या मर गए। बच्चे पैदा करने में तो पाकिस्तान सबसे आगे है, सबसे ज्यादा आबादी। वो तो चाइना है। आपकी जो टर्मिनोलॉजी है ना, जिससे आप उर्दू बोल रहे हैं उसे आपका पता लग रहा है, एजुकेशन लेवल बिल्कुल जीरो। अभी आपको अंग्रेजी का एक लफ्ज़ या ग्रामर का टेंस नहीं पता होगा। क्या करते हैं? मैं कुछ नहीं करता हूं, मैं जाता रहता हूं घूमने फिरने के लिए, जाता हूं कई मुल्कों में, क्यों अल्हम्दुलिल्लाह। अभी बोले तो अभी दफ्तर मेरा पासपोर्ट पड़ा, ला के चेक करा देता हूं। बिल्कुल, आप यार बात देखो अंकल, आप रुके जरा एक मिनट रुके, हम एक मिनट बस चले जाइएगा। जो ना बड़े, जो बड़े होते हैं ना बड़े, जब आपको तंज भी करें ना, समझ लो कि आपको समझाने के लिए कर रहे हैं। इन्होंने पूरी दुनिया देखी जी। आप कह रहे हैं स्टूडेंट है, आप कह रहे हो कि शादी नहीं की अभी। बेसिक एजुकेशन मैट्रिक थी, ठीक है, किसी कॉन्वेंट स्कूल के भी नहीं, एसएम नहीं, थर्ड डिवीजन का तो नहीं मुझे पता है, एसएम लॉ कॉलेज कराची से, ठीक है, सिंध मदरसतुल इस्लाम, ये भी आपको नहीं पता होगा। हिस्ट्री आपने कायदे आजम की भी नहीं पढ़ी है, हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान भी नहीं पढ़ी होगी, ठीक है। और बार एट लॉ लिंकन इन्स लंदन से किया था। लिंकन इंस में बारेट लॉक करने के लिए जो मेरिट है ना, वो आप तसव्वुर नहीं कर सकते। इंग्लैंड का सबसे हाईएस्ट मेरिट वाला इदारा है। सर, हमारी मुल्क की लिटरेसी रेट इतना कम क्यों है? सर, शौक नहीं है लोगों को, इलम शौक से आता है, मेहनत से आता है, जो ये खैरात में डोनेशन में नहीं मिलता है, आप इलम खरीद नहीं सकते हैं। हम यहाँ पर बात इंडिया के मुकाबले करते हैं, उनके लिटरेसी रेट देखें, दुनिया की पांचवी बड़ी मैशत बन गई, $4 trillion की GDP उनकी। इंडिया का अमेरिका इंग्लैंड मेडिकल साइंस दुनिया का सबसे मुश्किल शोबा है। इंडिया का G10 का इसीलिए मेंबर है कि उसका मेडिकल साइंस का जो शोबा है ना, वो अमेरिका बरतानिया ये G7 कंट्रीज के लेवल का है। तो दोस्तों, आप लोगों ने वीडियो देखी, वीडियो यहीं तक थी। देखिए, बातें करने को कितनी भी आप बात को लंबी बता सकते हो, कितनी भी इसके बारे में बात कर सकते हो। देखिए, आज का जो पाकिस्तान का यूथ है, बल्कि पाकिस्तान का नहीं कहेंगे भाई, भारत का भी यूथ कहेंगे और वर्ल्ड के, तो भाई हमें पता नहीं है। हम देखिए जिस दो चीज़ों को देख कवर कर रहे हैं, इंडिया और पाकिस्तान को, भारत की भी बात कर ले, दोनों के लिए सेम कॉमन बात रही। पाकिस्तान के अंदर जो यूथ है आज और भारत के अंदर की यूथ है, ये सोशल मीडिया के दौर में देखिए इतना दुरुपयोग इनका सोशल मीडिया का आज किया जा रहा है। यानी कि देखिए, सोशल मीडिया ने, यूट्यूब की ही बात कर ले, यूट्यूब ने भाई, सोशल मीडिया ने जिनके पास भाई खाने तक को भी, एक शाम को खा के सो रहे हैं तो सुबह ये पता नहीं भाई भूखे पेट काम पे जाएंगे या दिन कैसे कटेगा। सोशल मीडिया आने के बाद बहुत से ज़्यादा लोगों ने इसका यूज किया, जैसे यूट्यूब पे वीडियो बनाना, और बहुत सारे इन्फ्लुएंसर जो बिल्कुल लो लेवल के थे, आप एक एग्जांपल देता हूँ, अंकित बेनपुरिया जैसे, इंडिया में आप लोगों ने किसी ने भी उसकी इंस्टाग्राम पे देखी होगी, तो यानी कि भी जिस बंदे की कोई बैकग्राउंड नहीं था, आज वो भी है जो सोशल मीडिया से इतना कामयाब हुआ है। और पाकिस्तानियों ने, और पाकिस्तान के जो है, यानी कि भी जो बच्चे हैं उनको, उनके जो पेरेंट्स जो शिक्षा दे रहे हैं आज, कि जंगों से ही हर चीज़ का समाधान होगा, या फिर भाई जिहाद करेंगे भारत के अंदर, ये चीज़ें हैं जिस वजह से आज पाकिस्तान की जो सिचुएशन है ना, आज खाने को भी लाले पड़े हुए हैं। और भाई पूरे पूरे विश्व में जो मुस्लिमों के ठेकेदार बनते रहते हैं, आज इन पर ही थू थू करे हैं। और जो सबसे ज़्यादा, जहाँ से इस्लाम शुरू हुआ था भाई, UAE की बात कर ले, UAE ने कल परसों जिसका उद्घाटन है, जो क्या है, मदीना के अंदर बहुत बड़े सिनेमाघर में, एक मॉल में सिनेमाघर चालू कर दिया गया है, लड़कियों को कार चलाने की वहां पर यानी कि उनको अनुमति दे रखी है। यानी कि जो भाई, जो इन्होंने खुद, मौलानाओं ने कहूँगा, जो मौलानाओं ने खुद अपने अनुसार जो सहूलियत के लिए बनाई थी, उनको UAE धीरे धीरे खत्म कर पाकिस्तान के मुंह पर एक तमाचा मारने का काम करा, जो कि पाकिस्तानियों को इस चीज़ को सीरियस लेना चाहिए और देश को आगे बढ़ाना चाहिए। आज UAE की देखिए भाई, जिसके बिना वर्ल्ड थम जाता है, यहूदियों को जिनको ये अपना बड़ा सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं, उस वो तो भाई आज विश्व पे राज कर रहा है। आप लोग कह रहे हैं कमेंट सेक्शन में जरूर, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।